करना हो या फिर मौजूदा निवेश को लेकर कोई सवाल हो, योर मनी के जरिए हम आपको न सिर्फ निवेश की सही रणनीति बताते हैं बल्कि निवेश के हर गुरु मंत्र से कराते हैं आपको रूबरू। नमस्कार, मैं हूँ कविता थपलियाल और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ हैं बजाज कैपिटल के ग्रुप CEO अनिल चोपड़ा। आपका स्वागत है अनिल जी शो पर। चलिए शुरुआत करते हैं आज के शो की और हमारे सबसे पहले दर्शक जो फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं वो है मुंबई से नितिन चौबे। नमस्कार नितिन, बताएं आप क्या करते हैं, आपका सवाल क्या है? हेलो। हाँ नितिन, पहले तो आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मेरा क्वेश्चन आपके इस एपिसोड में लिया है। जी, अपना सवाल भेजने के लिए शुक्रिया। बताएं क्या दुविधा है आपकी? एक्चुअली क्या हुआ है कि, और मैं एक और बात चीज बताना चाहूंगा कि मैं आपका CNBC से आवाज जो योर मनी है जी। उसका मैं बहुत सीधे देखा है, जितने भी एपिसोड है जो आपकी एक्सपर्ट राय है और मैंने उसके हिसाब से अपना पूरा प्लानिंग किया है, जिसमें मैंने बहुत से SIP भी किए हैं उसको देख के जो आपने आपके एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किए थे। चलिए, बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आप योर मनी को लगातार फॉलो करते हैं और इनफैक्ट आपने अपना पोर्टफोलियो भी उसके तहत हमारी राय सुन सुन के बना लिया है। आज आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? शायद कोई इंश्योरेंस को लेके आपने अपना सवाल हमें भेजा है। एक्चुअली मैंने क्या है, मैं 5 साल से ICICI लोम्बार्ड का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, जो अभी तक क्लेम नहीं किया उसके ऊपर। अच्छा, पर जब मैंने आज 2 साल का 8 साल रिन्यू करता हूँ उसको, तो अभी 2 साल बाद जब मैंने रिन्यू किया अभी दिस ईयर से 2 साल के लिए 2016 तक, तो उन्होंने जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट दिया है, उन्होंने जो ब्राउचर दिया है उसके अंदर सब लिमिट करके एक टेबल दिया है। अच्छा, जो एक्सटेंशन SC4 करके है, ठीक है। तो पहले तो उन्होंने जो सर्टिफिकेट दिया है उसके अंदर नो लिमिट नन करके दिया है जी, पर पॉलिसी डॉक्यूमेंट में उन्होंने सब लिमिट सेट कर दी है। ठीक है, यानी ये बदलाव हुआ है आपकी पॉलिसी में? हाँ, मैंने उनको रिटर्न मेल भी किया है जी जी, तो उनका रिप्लाई आया है कि बोले हम 31 अक्टूबर तक के आपको रिप्लाई करेंगे। मैं बहुत बार कॉल कर चुका हूँ पर अभी तक कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है। अच्छा, और ये जो रिन्यूअल हुआ है, इस रिन्यूअल को कितना टाइम हो चुका है? ये समझ लीजिए मैंने 2009 में पॉलिसी ली थी, तो अभी तक के मैंने कोई क्लेम नहीं किया है और पॉलिसी कंटिन्यू रिन्यू करते आ रहा हूँ मैं हर साल। अब की बार आपने कब की थी, कौन सी तारीख को की थी? मैंने ये किया है 2014 अक्टूबर में, मतलब इसी महीने आपने किया है, ठीक है। आपने किसी कर्मचारी से बात करने की कोशिश की है ईमेल के बजाय? जी हाँ, मैंने एग्जीक्यूटिव से बात की उनके टोल फ्री नंबर से। अच्छा, और उनको मेरी प्रॉब्लम बताई है, मैंने बहुत बार कॉल किया है पर अभी तक से कोई रिप्लाई आया नहीं। चलिए बात करते हैं हमारे एक्सपर्ट से। अनिल जी, अमूमन जब इस तरह की रिन्यूअल करते हैं पॉलिसी में, और चूंकि हम जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सब्जेक्टेड होती है इस तरह के बदलाव से, हर साल कोई ना कोई नया एड ऑन फीचर या क्लॉज जोड़ दिया जाता है जिसके बारे में सबसे पहले ग्राहक को बताया जाता है। चूंकि यहाँ पे अब बताया नहीं गया है तो खुद नितिन ने कोशिश करके बात की है कंपनी वालों से, 31 अक्टूबर तक कह रहे हैं कि उनको जवाब मिल पाएगा। इस केस में हम किस तरह नितिन की मदद कर सकते हैं? देखिए, ये जो सवाल है इनका, ये सब उन दर्शकों को लागू होता है जिनकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही हैं और वो हर साल उसको रिन्यू कराते हैं। पहला तो हमारी सलाह ये रहेगी कि रिन्यूअल डेट से 1-1.5 महीने पहले ही उसकी तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि अगर आपको पॉलिसी में जो बदलाव आ रहे हैं और वो आपको अगर पसंद नहीं है या आपके जो एक खास फीचर है उसमें नहीं मिल रहा है आपको, या उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, जितना आपने सोच के रखा था उससे ज्यादा आपको प्रीमियम बताया जा रहा है, तो आपके पास एक फैसिलिटी है पोर्टेबिलिटी की, यानी कि आप अपनी पॉलिसी किसी दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको रिन्यूअल डेट से 45 दिन पहले डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप एकदम एन मौके पर जाके बोलेंगे कि नहीं मुझे आपका ये फीचर पसंद नहीं है, या ये फीचर आपने नया ऐड कर दिया है, ये क्लॉज आपने नहीं ऐड कर दिया है, तो वो थोड़ा उस वक्त मुश्किल हो जाता है। तो एक तो यह है कि आप पहले से ही रिन्यूअल की तैयारी कर लें और फाइन प्रिंट पढ़ लें और अच्छी तरह से समझ लें कि क्या क्या बदलाव हो रहे हैं उनके उन फीचर्स में जो पहले थे और अब आगे नहीं होंगे। और इनके लिए अब यही बचता है कि इन्होंने ऑलरेडी कंप्लेन कर दी है कंपनी की टोल फ्री नंबर पर। हमारी सलाह सब दर्शकों को यह रहेगी कि जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस या और भी कोई प्लान लें तो बीच में कोई फाइनेंशियल प्लानर रखें, कोई एजेंट रखें जो कि एक कंपनी पे जाके आपके केस को रिप्रेजेंट कर सके। जो इंश्योरेंस ब्रोकर्स हैं
वो कंपनीज को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो ग्राहक को करते हैं, यानी कि वो आपको करेंगे। अगर आप किसी इंश्योरेंस ब्रोकर के थ्रू गए होते तो आप उस इंश्योरेंस ब्रोकर को आप कंप्लेन कर सकते हैं कि ये मेरी पॉलिसी की जो टर्म्स हैं वो क्यों चेंज हुई, इसके बारे में आपको बताया क्यों नहीं गया और आपको क्या इसका मुआवजा मिल सकता है। अब क्योंकि ये डायरेक्टली जा रहे हैं तो अगर इनको लगता है कि इनके साथ नाइंसाफी हुई है, इनको ठीक से बताया नहीं गया और कुछ क्लॉजेज ऐसी ऐड कर दी गई हैं जो कि इन्हें पसंद नहीं है, तो ये इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को भी कंप्लेन कर सकते हैं, जिसका जो ईमेल वगैरह है वो सारा IRDA की वेबसाइट पे उपलब्ध है। तो और आगे से मैं इनको ये आगाह करूंगा कि अगले साल जब मेच्योरिटी की डेट आएगी तो उसके 2-2.5 महीने पहले से ही ये अपने एजेंट से या फाइनेंशियल प्लानर से या ब्रोकर से या कंपनी के एम्प्लॉय से सारी पॉलिसी की टर्म्स को समझ लें और उसके बाद ही अपना चेक देके उसको रिन्यू कराएं। और अगर बदलना है, उन्होंने पोर्टेबिलिटी करनी है, किसी दूसरी कंपनी में जाना है, तो वो डिसीजन इनको कम से कम 45 दिन पहले लेना पड़ेगा। ठीक है अनिल जी, यहाँ पे दो सवाल है नितिन के बिहाफ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी। अब अगर इनके मन मुताबिक रिप्लाई नहीं आता है तो क्या ये अभी पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन इनके लिए ओपन है, विकल्प अभी भी ये अपना सकते हैं कि अब वो नहीं रहेगा? वो अब नहीं रहेगा, अभी जो प्रावधान है उसके मुताबिक नहीं रहेगा। अगर इनको कंपनी से सेटिस्फेक्ट्री जवाब नहीं मिलता है तब ये इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को कंप्लेन कर सकते हैं, वहां पे दोनों पक्षों को सुना जाएगा। अगर ये तय होगा कि इन लोगों ने, इन्होंने जब अपना प्रपोजल फॉर्म साइन किया रिन्यूअल का, उसमें सब क्लॉजेस लिखी हुई थी, इन्होंने ध्यान से तब पढ़ा नहीं उसको, तब शायद इनको किसी भी तरह का मुआवजा नहीं मिल पाएगा और इनको 1 साल ये पॉलिसी चलानी पड़ेगी। लेकिन अगर ये प्रूव कर पाते हैं कि कंपनी ने बिना बताए इनको क्लॉजेस चेंज कर दी हैं, तब हो सकता है कि इनको इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की तरफ से डिसीजन मिले कि इनका या तो प्रीमियम वापस हो या इनकी पॉलिसी कैंसिल होकर इनको दूसरी पॉलिसी में बदलने दिया जाए या इनको वो फीचर्स दोबारा से बहाल किए जाएं जो कि पिछले साल थे और इस साल नहीं है। जी बिल्कुल। तो नितिन जैसे कि आप भी सुन रहे होंगे 31 अक्टूबर तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, कंपनी क्या जवाब देती है वो आप देखें और उसके बाद अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप संतुष्ट नहीं है तो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास जाकर आप ये केस सुलझा सकते हैं अपना। लेकिन आगे से नितिन आप और बाकी दर्शकों को भी हम यही कहना चाहेंगे कि जब भी आपकी पॉलिसी का रिन्यूअल का टाइम आता है तो उससे 1.5 से 2 महीने पहले आप तैयारी शुरू कर ले और बकायदा अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को देखिए किस तरह के चेंजेस किए गए हैं। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप कंपनी को बोलिए कि आप इन चेंजेस से सेटिस्फाइड नहीं है और चाहे तो आप अपनी पॉलिसी को पोर्ट भी करा सकते हैं। नितिन उम्मीद करते हैं कि आपको मैं सवाल का जवाब योर मनी से आज मिल गया होगा। इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का ये सिलसिला जारी है योर मनी में, लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। योर मनी में हम आपको दे रहे हैं आपके निवेश से जुड़ी सटीक सलाह और मेरे साथ आज बने हुए हैं अनिल चोपड़ा। आगे बढ़ते हैं और गुड़गांव से नम्रता श्रीवास्तव है हमारे साथ फोन लाइन पे। गुड इवनिंग नम्रता, सवाल क्या है आपका? हाय कविता। हाय हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड टू, थैंक यू। बताएं आपका सवाल क्या है, आपने अपने लिए क्या आर्थिक लक्ष्य डिसाइड किए हुए हैं? एक्चुअली मैं CS हूँ, आई एम प्रोफेशनल और मेरी अभी हाल ही में जॉब लगी है, मीन 6 मंथ ही एक्सपीरियंस है मुझे। ओके। एंड मेरी सैलरी बेसिस पे नहीं है, मेरी प्रोफेशनल फीस आती है जिसमें कुछ भी टैक्स वैक्स डिडक्ट करके नहीं, ओनली TDS काट के आती है। 30,000 पर मंथ है। ओके। एंड मुझे अभी एक कार लेनी है एंड उसके बाद मुझे फ्लैट लेना होगा दिल्ली NCR में। ठीक है। और अभी स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ RD करी है 5,000 पर मंथ। ओके। हाँ, उसके बाद मैं मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ये मुझे जानना है। जरूर। आई कैन बाय अ कार। बिल्कुल। आपने अपने लिए गोल्स तो काफी लाइंड अप कर लिए हैं, लेकिन मुझे आपके गोल्स की ड्यूरेशन और उनको पूरा करने के लिए आपको कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी इसके बारे में भी पता होना बहुत जरूरी है। तो ये बताएं कि गाड़ी आप कब लेने की सोच रही हैं और कितने पैसे आपको जोड़ने हैं उसके लिए? मैं 1 साल बाद लूंगी कार। ओके। एटलीस्ट मेरे पास 7-8 लाख रुपीज होने चाहिए। ठीक है। और घर आपने कहा आपको लेना है, तो कितने साल के बाद आप घर लेने का विचार बना रही हैं? 3 साल बाद ही मैं ले पाऊंगी घर। ओके। और वो भी दिल्ली NCR रीजन में, वो अराउंड 1 करोड़ की फ्यूचर वैल्यू है ये। हाँ, फ्यूचर वैल्यू है। अभी मुझे बताइए, आप 5,000 रुपए की RD तो करती हैं, लेकिन अब अगर आपको हम निवेश रणनीति सुझाएंगे तो आप कितने का निवेश हर महीने कर पाएंगे?
अराउंड 10,000 तक, और 10,000 रुपए का निवेश आप कर सकती हैं। आपके घर पे कोई फाइनेंशियली डिपेंडेंट है आप पर? नहीं, मेरे घर पे कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंट नहीं, मेरा बस पीजी का रेंट जाता है। ओके, वो कितना है? 10,000। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशन। आप काफी यंग हैं, आप 23 साल की हैं और अभी अभी आपकी जॉब लगी है, आपने अपने लिए इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचा है। योर मनी हमेशा आप जैसे यंग इन्वेस्टर्स को इनकरेज करता है एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने के लिए। तो अनिल जी, यहाँ पर इन्होंने आरडी शुरू कर दी है अपने लिए, लेकिन कुछ गोल्स हैं जो कि अचीवेबल शायद नहीं हो पाए। यहाँ पे नम्रता को डिसअपॉइंटमेंट होगी थोड़ी सी, लेकिन ये 10,000 रुपीज हर महीने निवेश कर सकती हैं अपने गोल्स को। अगर थोड़ा सा ये पोस्टपोन करें तो कहाँ निवेश कर सकती हैं? यंग है तो शायद रिस्क ले सकती हैं। इक्विटी ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या इनकी हो सकती है? हाँ, देखिए नम्रता एक कंपनी सेक्रेटरी हैं जैसे उन्होंने बताया, और काफी अच्छी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, इन्होंने काफी मेहनत करी होगी वो एग्जाम पास करने के लिए, तो कॉन्ग्रेचुलेशन उनको उसके लिए। और इनका फाइनेंस का बैकग्राउंड भी है, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरीशिप में कुछ फाइनेंस की भी चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो यहाँ पे हम इनको ये बताना चाहेंगे कि जो गोल्स अपने तय कर रहे हैं वो अपनी आमदनी के हिसाब से करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इन्होंने बोला कि एक साल के बाद कार लेनी है 7-8 लाख रुपए की, और इनकी सालाना आमदनी जो है अभी वो सिर्फ 3,60,000 रुपए है, तो इनको विदाउट लोन तो वो कार मिल नहीं पाएगी। और 30,000 में से इन्होंने टैक्स भी देना है, इन्होंने 10,000 रुपए किराया भी देना है, इनकी आरडी भी चल रही है, उनके दूसरे भी गोल्स हैं। तो एक तो यह है कि इनके प्रोफेशन की अभी शुरुआत है इनके करियर की, और डेफिनेटली एज ए कंपनी सेक्रेटरी इनका काफी ब्राइट फ्यूचर है, और ये आगे जाके ये अच्छी किसी कंपनी में नौकरी पाके अपनी तनख्वाह को बढ़ा भी सकते हैं। तो इनको चाहिए कि एक प्लान बनाएं, उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें, और जैसे जैसे इनकी इनकम बढ़े उसको रिव्यू करते चलें और अपने गोल्स को रिवाइज करते चलें। तो सबसे पहली तो हमारी सलाह इनको ये होगी कि जो ये आरडी में पैसा लगा रहे हैं वो एक तरह का डेट इन्वेस्टमेंट है, जो कि हम नॉर्मली सलाह देते हैं ऐसे लोगों को जो कि हाउसवाइफ्स हैं, या जिनकी टैक्स ब्रैकेट जीरो है, या जो रिटायर हो चुके हैं और वो रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन ये अभी यंग हैं और इनके काफी सारे गोल्स हैं, इनके सपने हैं, एस्पिरेशंस हैं। तो पहली तो सलाह हमारी इनको ये होगी कि आरडी को बंद करें और उसी पैसे से म्यूचुअल फंड्स में सिप स्टार्ट करें, ताकि अगले 3-5 साल में इनका अच्छा पैसा जुड़ जाए। और इनको स्टार्ट करना चाहिए किसी अच्छे लार्ज कैप इक्विटी फंड से, या उसके साथ में अगर ये दो में डिवाइड करते हैं तो एक लार्ज कैप और एक मिड कैप भी हो सकता है। इनको हम यहाँ पे नाम सुझा देते हैं कि लार्ज कैप फंड्स में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का टॉप 100 फंड है, या एक्सिस का इक्विटी फंड है, और फ्लेक्सी कैप में फ्रैंकलिन इंडिया का फ्लेक्सी कैप फंड है, या एचडीएफसी इक्विटी फंड है। तो ये फाइनेंशियल प्लानर से सलाह करके जो इन्होंने 10,000 रुपए बोला तो वो उसको इस तरह से सिप्स में स्टार्ट करें, और जैसे जैसे इनकी करियर में तरक्की होगी तो अपने ये गोल्स को उसी हिसाब से रिव्यू करते चलें, और अपनी सेविंग कैपेसिटी के हिसाब से गोल्स को बनाएं, और गोल्स की ड्यूरेशन तय करें कि किस साल में कौन सा गोल लेना है। और जो गोल है वो इनकी आमदनी के हिसाब से ही तय होना चाहिए। जैसे उन्होंने बोला कि 3 साल में इनको 1 करोड़ रुपए का घर चाहिए, तो वो भी 3 साल में इनका इतना पैसा जुड़ नहीं पाएगा जो अभी इनकी आमदनी है, तो इनको उसके लिए भी लोन लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें इनको बैठ के कागज कलम लेके, कैलकुलेटर लेके, फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठ के इनको तय करनी होगी। और सबसे पहला इनको काम जो करना होगा वो ये कि आरडी बंद करके और ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में सिप स्टार्ट कर दें, और डिसिप्लिन के साथ उसमें लगातार पैसे ज्यादा जोड़ते चलें। और डेफिनेटली ये अभी यंग है, इनकी शादी भी हो जाएगी तब डबल इनकम हो जाएगी, तो तब अपनी प्लान को ही रिवाइज भी कर सकते हैं। बिल्कुल नम्रता, जैसे कि आपने सुना होगा थोड़े रियलिस्टिक गोल्स आपको बनाने होंगे। अभी आप अपने निवेश की शुरुआत कर सकती हैं, लेकिन अपने गोल्स को अगर हो सके थोड़ा सा पोस्टपोन करने की कोशिश कीजिए। अनिल जी, यहाँ पे नम्रता के बिहाफ पे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। जो इन्होंने राशि जमा कर रखी है आरडी के जरिए, क्या उस राशि को ये लमसम कहीं पे निवेश कर सकती हैं? हाँ, देखिए आरडी में जो इनको ब्याज आता है 8 या 9% का, वो भी फुल्ली टैक्सेबल है। तो इनको जो भी इनका स्लैब बनेगा 10% का या जो भी, उसमें उस पर भी टैक्स लग जाएगा। तो हमारी सलाह ये रहेगी कि अगर उन्होंने कुछ पैसा इमरजेंसी के लिए जोड़ के रखना है तो ये एक लिक्विड फंड में उसको शिफ्ट कर दें। और हम इनको सुझाव दे देते हैं कि जैसे फ्रैंकलिन इंडिया का अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है, या टाटा फ्लोटर फंड है, तो इसमें अगर ये अपने आरडी के अमाउंट को शिफ्ट कर देते हैं तो वहां से जो इनको रिटर्न आएगी, डिविडेंड जो वहां से मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा,
और कभी भी उस पैसे को ये इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी इमरजेंसी के लिए। तो बजाय इसके कि ये आरडी में पैसा अपना फंसाते चले, अभी यंग हैं, इनको चाहिए कि ये कुछ पैसा लिक्विड फंड में रख के जो इनको इमरजेंसी के लिए रिक्वायरमेंट हो सकती है तकरीबन 2 महीने की तनख्वाह के बराबर, उसके अलावा जो इनकी सेविंग्स हैं वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के सिप्स में स्टार्ट करें और लार्ज कैप से स्टार्ट करके फिर उसके बाद फिर ये फ्लेक्सी कैप पे जाएं और अपने पोर्टफोलियो को बड़ा करते जाएं। और डेफिनेटली ये अपने करियर के अभी इन्होंने शुरुआत करी है, इनकी आमदनी जल्दी ही 30,000 से बढ़कर 50,000, 80,000 और 1,00,000 हो जाएगी 2-3 साल में, तब ये अपने गोल्स की अच्छी तरह से और प्लानिंग करके अपने पोर्टफोलियो को भी ये और ज्यादा बैलेंस बना सकते हैं। जी बिल्कुल नम्रता, तो यहाँ पर आप आरडी में आपने जो पैसे जमा किए हैं उसको इमरजेंसी फंड की तरह ट्रीट करें, लिक्विड फंड में आप उन्हें पार्क कर सकती हैं। पोर्टफोलियो आपको कैसा बनाना है वो हमने बता दिया है, अपने निवेश की शुरुआत कीजिए, गोल्स अचीव करने में थोड़ा समय लग सकता है, आप चाहें तो गाड़ी के लिए लोन ले लें, घर के लिए भी आपको लोन लेना ही पड़ेगा, लेकिन फिलहाल अपने निवेश की शुरुआत कीजिए, हर साल अपने निवेश को बढ़ाइए, जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी आप निवेश को बढ़ाएगी और डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, आप बिना भूले आप एसआईपी कर सकती हैं ताकि आपका डिसिप्लिन मेंटेन रहे इन्वेस्टमेंट में। उम्मीद करते हैं कि योर मनी में आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, और इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। आपका फिर से योर मनी में, हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब, मेरे साथ बने हुए हैं अनिल चोपड़ा, और अब लेते हैं पुणे से सचिन मलिक का सवाल, हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। सचिन नमस्कार, बताएं सवाल क्या है आपका। सचिन क्या आपको मेरी आवाज आ रही है, लगता है इनसे संपर्क स्थापित नहीं हो पाया है, लेकिन अनिल जी इनका सवाल मेरे पास है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है इनका, ये अपने लिए एक टर्म प्लान सोच रहे हैं लेने के लिए जो कि बढ़िया रिटर्न दे सके, आमदनी इनकी 20,000 रुपए महीना है और ये प्राइवेट सेक्टर में है, साथ ही अपनी माता के लिए भी एक हेल्थ प्लान चाहते हैं, 46 ईयर ओल्ड है वो, और अपने भाई के लिए भी ये हेल्थ प्लान चाहते हैं, और ये पूछ रहे हैं कि क्या मॉम एंड सन की कोई ऐसी हेल्थ पॉलिसी अवेलेबल है, 28 साल के हैं इनके भाई, और साथ ही इनकी जो बहन जो 32 साल की है उनके लिए भी क्या कोई इंश्योरेंस प्लान मिल सकता है या नहीं। तो सबसे पहले आई थिंक इनके टर्म प्लान का जो सवाल है उसे हमें सुलझाना चाहिए। अगर आप मुझे सुन सकते हैं सचिन, तो टर्म प्लान इज बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस, आपकी लाइफ को सिक्योर करता है, एक प्रोटेक्शन प्लान है, अगर आप मुझे अभी सुन सकते हैं सचिन, किसी तरह का रिटर्न आपको नहीं मिलेगा, ये अपनी लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए आप एक प्लान लेते हैं जो आपके अपनों के काम आता है। अब आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए ये हम जानना चाहेंगे अनिल जी से। अनिल जी आई एम श्योर आप भी टर्म प्लान को लेकर जो इनकी इनका सवाल है उसको उसका जवाब देना चाहेंगे। हाँ देखिए, डेफिनेटली ये एक काफी लोगों को भ्रांति रहती है, एक मिथ रहता है, एक माइंड में उनके कंफ्यूजन रहता है कि हम इंश्योरेंस प्लान ले रहे हैं उससे हमें कोई रिटर्न मिलेगी। तो ये हम क्लियर करना चाहेंगे सारे दर्शकों को कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक का काम प्रोटेक्ट करना है और दूसरे का काम रिटर्न जनरेट करके वेल्थ क्रिएट करना है। तो दोनों को मिक्स करके कंफ्यूज, जब आप टर्म प्लान लेने की सोच रहे हैं तब आपको एक बहुत बड़ी सम अश्योर्ड की एश्योरेंस मिल रही है कि अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाती है तब इंश्योरेंस कंपनी आपकी फैमिली को लाइफस्टाइल को बरकरार रखने के लिए एक बड़ी रकम अदा करेगी। तो उससे रिटर्न की उम्मीद करना तो एक नाइंसाफी वाली बात होगी कि आप जो प्रीमियम दे रहे हैं वो जैसे अपने कार के इंश्योरेंस के प्रीमियम देते हैं और वो वापस नहीं आता है अगर कार को कुछ रिपेयर नहीं जरूरत पड़ती है, वैसे ही टर्म प्लान में भी जनरली जो है वो प्रीमियम पे करके और आपको एक सम अश्योर्ड का बेनिफिट मिलता है, उससे रिटर्न की उम्मीद करना जो है वो ठीक नहीं होगा। इनके लिए हमने प्लान देखे कि अगर ये 50,00,000 तक का प्लान लेते हैं तो काफी कम प्रीमियम पे इनको मिल जाएंगे, 25 साल की इनकी उम्र है अभी सिर्फ, तो हमने ये लगाया हिसाब कि 30 साल के लिए अगर ये प्लान लेते हैं तो HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लस जो प्लान है काफी पॉपुलर है आजकल मार्केट में, उसका सिर्फ 4,425 रुपए सालाना प्रीमियम होगा और 50,00,000 का इनको सम अश्योर्ड मिल जाएगा। साथ ही ये कंपेयर करें दूसरे प्लान्स के साथ भी, कोटक का प्रेफर्ड टर्म प्लान है उसमें प्रीमियम 5,972 रुपए है और बिरला का प्रोटेक्टर प्लस प्लान है जिसका प्रीमियम जो है 6,300 रुपए है। इनका जो दूसरा सवाल है कि ये
अपनी मदर के लिए भी और अपने लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम इनको सलाह देंगे कि ये अपोलो म्यूनिक का फैमिली फ्लोटर प्लान को कंसिडर करें। लेकिन याद रखें कि फैमिली फ्लोटर में सिर्फ डिपेंडेंट जो आपके होते हैं वही कवर हो पाते हैं। और हमने इनके लिए देखा कि अगर ये अपोलो म्यूनिक का इजी हेल्थ फैमिली फ्लोटर प्लान लेते हैं जिसकी सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए की है ये इनके लिए और इनकी मदर के लिए, तो सिर्फ 14,591 रुपए का प्रीमियम पड़ता है और इनके और इनकी मदर की सारी इलनेसेस डिसीजेस हॉस्पिटल के इनको लगाना पड़ता है चक्कर, तो वो सारे खर्चे वहां से 5 लाख तक के कवर हो जाएंगे। तो इनको ये चाहिए कि एक टर्म प्लान लें और एक अपनी और अपनी मदर के साथ एक फैमिली फ्लोटर प्लान लें ताकि इनके इमीडिएट गोल्स पूरे हो जाएं और इन्वेस्टमेंट्स करें अलग से अगर इनको रिटर्न चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर सचिन सलाह यही है कि आप अपने लिए टर्म प्लान लें और हेल्थ कवर भी ले लें, लेकिन आगे से इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के साथ मिक्स ना करें। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी शो पे आके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। और अगर आप भी योर मनी पर हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन, क्रेडिट कार्ड से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ हमें ईमेल करें mf@moneycontrol.com पे। साथ ही आप फेसबुक के हमारे पेज पर भी अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं। याद रखें अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमें जरूर दें।